नए जगह से जाने का सबसे बड़ा फायदा अभी का सीन ऐसा है कि गाड़ी से पूरा लगेज निकाल दिया है और इसके आगे की जर्नी है ना भैया कॉलेज में होगी। वापस एक बार अलविदा कहने का वक्त आ गया है। 5 स्टेट बॉर्डर क्रॉस करून आलो मी आता। कुछ स्टेट मध्ये अशी अरेंजमेंट नाही आहे। 4752.8 किलोमीटर। तो ये है वो नेशनल हाईवे खतरनाक वाला जिसकी वजह से हम लोग को कल चुरू में ही राजस्थान में एंट्री करने के बाद रुकना पड़ा। नई नई जगह पे रुक रहे, ये जगह का नाम चुरू है। भाई बहुत ही खतरनाक था, मतलब पूरा वो सिंगल लेन है ना, तो भाई ट्रक वाले गजब कर रहे थे। तो बोला कि रिस्क नहीं लेना है, राजस्थान में एंट्री करने के बाद 80-90 किलोमीटर हम लोगों ने चला लिया। यहाँ से जयपुर है 250 किलोमीटर, तो सोचा कि रुक जाते हैं और सुबह चालू करते। और ये था अपना चुरू में रूम। ओ मेरे गुरु, चुरू में रह के कैसे लग रहा है? एक नंबर। शुरू करें आज का दिन। चलो सुबह सुबह पानी पीना बहुत जरूरी है भैया। चुरू में होगी आज सुबह की पहली चुरू की चुस्की। चुरू की चुस्की गुरु के हाथों। ओ मेरे भाई, तू ऐसे आगे आगे जा रहा है, मुझे कुछ आगे का दिख रहा ही नहीं है, तेरे आगे लू कैसे भैया? भैया फिलहाल ऐसा है ना कि हम बारिश से भाग रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हमको आगे आगे जाना है, जितना आगे जा सके उतना बढ़िया है यार। बारिश ना, हम ठंडी विंटर राइड पे निकले यार, मॉनसून राइड पे कहाँ पे वो हो जाएगी, तो फिर मजा नहीं आएगा भैया। तो थोड़ी ज्यादा बारिश शुरू हो गई है, तो वक्त है भाई लोग, वक्त है गोबरों को निकालने का। छोटो गुड मॉर्निंग। तो बारिश भैया थोड़ी थोड़ी ज्यादा तेज हो गई है, राइड तो शुरू रहेगी क्योंकि उतनी तेज नहीं है, लेकिन गोपरों को तकलीफ आ सकती है, तो वक्त है मोटर ब्लॉगिंग को थोड़ी देर के लिए बंद करने का। खतरनाक बारिश से लड़ते झगड़ते पहुंच गए लोशन करके, एक लोशन डिस्ट्रिक्ट सीकर है, लोशन करके एक जगह है डिस्ट्रिक्ट सीकर। लोसल है कि लोसन है? लोसल करके एक जगह है, सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहाँ पे पहुँच गए बारिश से लड़ते झगड़ते हुए। लेकिन जो रास्ता था ना, हम लोगों ने स्टेट हाईवे लिया था, इतना प्यारा था। फटाक से देख लीजिए म्यूजिक, प्यारी सी म्यूजिक के साथ, क्योंकि जो अंदर से हम लोग आ रहे थे ना, जो माहौल बन गया था ना, पीछे भाई अपना दर्शन बैठा था, उसने कुछ वीडियोज लिए है मोबाइल से, क्योंकि मोटर ब्लॉगिंग तो हो रहा नहीं था, बट प्यारा नज़ारा था। लोग जब राइड पे निकलते तो हम लोग की खासियत ये है ना कि हम लोग कभी भी जो रोड से रोड ऐसे ऐसा, तो हम लोग की ये खासियत है ना कि हम लोग जो रूट से जाते हैं ना, राइड शुरू होती है, वो रूट से वापस कभी नहीं आते। ये रूट से गए नहीं थे, किसी ने बोला कि भाई आप यहाँ से जाएंगे तो 40-50 किलोमीटर बच जाएंगे, ये बाईपास है, घुस गए उसमें, दोद करके गांव हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया, देख लिया प्यारे प्यारे नज़ारे। ये लोसल करके गांव है, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे आएंगे हम लोग, बहुत ही बढ़िया लगा। तो लोसल में होगा प्यारा सा नाश्ता, समोसा और कचौरी कड़ी मिक्स। क्या बोल रहे हो भाई लोग, कैसा है? बहुत टेस्टी है, मतलब कहाँ से अपन कहाँ आ गए ना, कैसे और कहाँ खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, क्या बात है। तो नए जगह से जाने का सबसे बड़ा फायदा, लोसल में अपने को नए दोस्त मिल गए, बहुत ही प्यार मिला यहाँ पे। सर जी ने मस्त चाय पिलाई, सर भी सोच रहे राइडिंग करने का ना, सर अभी करने वाले हो ना राइडिंग, राइडिंग का सोच रहे सर जी, बाकी सब बढ़िया, नाश्ता वाश्ता हो गया, अभी निकल लेते हैं। थैंक यू। अच्छा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी का सीन ऐसा है कि गाड़ी से पूरा लगेज निकाल दिया है और इसके आगे की जर्नी है ना भैया कॉलेज में होगी, कॉलेज में निकलेंगे आगे मुंबई की तरफ, क्योंकि अपने शॉकर्स तो गए, आप लोगों को पता है काम हो रहा नहीं है, सब सामान डाल दिया है, अभी आगे की जर्नी कॉलेज में होगी।
ऐसा कुछ भी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। गाड़ी गाड़ी धो रहे हम लोग यहाँ पे, गाड़ी की वॉशिंग हो गया अभी। आप लोग कहाँ से हो? हमने देखा, मैं बिहार। तो आप कहाँ जा रहे हो अभी? अच्छा, फॉलो कर करके आए क्या? हाँ क्या? अरे आज हम लोग बहुत लेट चल रहे थे ना, तो फिर भगा रहे क्योंकि आज उदयपुर पहुंचना है। क्या बोल रहे हैं आपका एक्सपल्स? खतरनाक स्टेट हाईवे पे पूरी देर सुबह से लेके अब तक राइड करने के बाद फाइनली लग गए हैं नेशनल हाईवे पे। और नेशनल हाईवे पे लग के ही ना भाई, राजस्थानी ढाबे पे रुके हैं, पहले कुछ खा लेंगे। और ना आजकल ये ऐसे ढाबा है ना राजस्थान में बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि रोड कटिंग में ना सारे ढाबे चले गए हैं। लेकिन मिला है हम लोग को किशनगढ़ के बाद, तो खाना खाएंगे। छोटू आ गए अपना प्लेट लेके, क्या बोलता है छोटू? ऑल गुड, ऑल सेट है छोटू? बढ़िया, ले 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 उसको, ले 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 ले। तो मस्त में खाना खाएगा छोटू, अपना प्लेट लगा रहा है। खाना खाएंगे, राजस्थानी खाना खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। बाकी भाई क्या बोलता है तू, कैसे तू खाना आने तक छोड़? राजस्थानी स्पेशल सेव टमाटर, दाल फ्राई, रोटी, दर्शन, अभिषेक, टूट पड़ो। छास राजस्थानी छास, नमक डालना, थोड़ा नमक, मजा आएगा भाई। हिमाचल के पहाड़ हो गए अभी राजस्थान के पहाड़, क्या ही लग रहे हैं। बर्फ देख उसके ऊपर कैसे बर्फ कितना बर्फ है उसके ऊपर यार। ₹108 का महंगा पेट्रोल आज भरे गया बोल, आखिर में पैसे बचा के। मुंबई से भी ज्यादा है ये अपने को, लेकिन एक ही बार भरना है अभी सीधा गुजरात पहुंच के। कैलकुलेशन है भाई, अपने को डिस्काउंट देगा ना, और 95 में करेगा बोला है। मेरे को तो फ्री में हुआ पेट्रोल। फ्री में हुआ? तो अभी इधर स्कैन क्या कर रहा था? इसकी शादी का कार्ड है। मसक्कली उड़ मटक चली मसक्कली। अरे माँ कसम, पूरी गाड़ी उतर गई है नीचे, अंदर लोग बैठे। भाई लोग बाल बाल बच गए, वो लोग बुजुर्ग आदमी अंदर थे बैठे हुए थे, पता नहीं शायद से जो चला रहा था उसको नींद आई रहेगी, या उधर जो डाइवर्जन था ना वापस ये रोड पे आने का, वो बराबर मार्किंग किया हुआ नहीं था, तो वो सीधा गया रहेगा और सामने से गाड़ी आ गई रहेगी, तो कंट्रोल छूट के गाड़ी ऐसे नीचे आ गई थी। अच्छा हुआ पलटी नहीं हुई और किसी को लगा नहीं, और अच्छा हुआ कि गाँव के नज़दीक हुआ, वहाँ के लोग फटाक से आ गए हेल्प करने के लिए। यहाँ पे ये रास्ते पे है ना जो उदयपुर के लिए रास्ता जा रहा है, वहाँ पे काफ़ी ऐसी जगह आती है जो सुनसान है, कोई नहीं रहता है वहाँ पे, तो दिक्कत आ जाती है। उदयपुर में आप सबका स्वागत है। और भाई गजब की चीज़ ये है ना कि हम लोग जब से पहाड़ों से नीचे उतरे हैं ना, कहीं पे भी ठंड ज़्यादा मिली नहीं थी, लेकिन यहाँ पे भाई बहुत ही भयंकर ठंड है। मतलब अभी फ़िलहाल टेम्परेचर तो 15 दिखा रहा है, लेकिन पता नहीं ठंड मतलब ऐसे 3-4 डिग्री की लग रही है। भाई लोग तो कंबल के अंदर चले गए हैं सीधा, खाना वाना कुछ नहीं, बोल रहे भाई ठंड इतनी अभी मस्त में सोने वाले। तो अभी कैसे मालूम है कि थोड़ा वो जो हम लोग का मी टाइम रहता है ना, क्योंकि तीनों जन आज 15-16 दिन साथ में है, राइड किए हैं, तो जो जो है मेमोरीज ये 16 दिन की वो डिस्कस करेंगे, तो वो थोड़ा पर्सनल रहेगा, वो व्लॉग में नहीं लेना है। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। पीछे का नज़ारा तो आप देख पा रहे हो, पूरा फॉग है, इसके लिए राइड थोड़ी लेट शुरू करे, अदरवाइज प्लान था कि 6 बजे राइड शुरू होगी, लेकिन होटल में लाइट भी चली गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, फॉग भी था, तो हम लोग बोले थोड़ा
दिन होने के बाद शुरू करते हैं राइड। बाकी आज अपना आखिरी दिन है, कोशिश ये रहेगी कि मुंबई पहुंचना है 750 किलोमीटर कवर करके। दर्शन 200 किलोमीटर के बाद अपने को अलविदा बोल देगा। चल के जा रहे क्या तू इधर से? 100 किलोमीटर पे चलो चल के निकलो। बाय बाय। अच्छा मस्त मजा आया आपसे मिल के, एकदम बढ़िया। बाकी अभिषेक की बाइक पे आखिरी बार, ये राइड का आखिरी बार लगेज टाया होते हुए, क्या बात है। मैं तो मजदूर इंसान हूँ, बस लगाओ खोलो लगाओ। भाई 20 रुपए दे दे इसको। बाकी ये कुछ नजारा है नेशनल हाईवे उदयपुर में, पूरा फॉग ही फॉग है अभी। भाई बहुत ही ज्यादा फॉग है यार, तगड़ा फॉग है एकदम, मजा आ रहा है। सुबह सुबह राइड शुरू होते ही ऐसा ऐसा माहौल, मजा आ रहा है। सिर्फ गाड़ियों के ना दूर से लाइट दिखाई दे रहे हैं। अच्छा है कि भाई 4 लेन है, सिंगल लेन लेता था रहा तो लग जाती थी। आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई, आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट बढ़िया है। पहाड़ों की ठंड एक्सपीरियंस करने के बाद राजस्थान की ठंड, हा 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 हा, माहौल बन गया आज तो माहौल। तो ये छोड़ रहे हम राजस्थान, ये आ गया राजस्थान बॉर्डर, हम निकल रहे हैं राजस्थान के बाहर अब। बाय राजस्थान, जल्दी वापस जल्दी मिलेंगे। सीमा समाप्त राजस्थान। गुजराती में कैसे बोलेंगे? गुजरात में आप सबका स्वागत है, आपको हार्दिक स्वागत छे गुजरात मा, बराबर, आपको हार्दिक स्वागत छे गुजरात मा, वेलकम टू गुजरात। यह है गुजरात पुलिस चेक पोस्ट, यहाँ से हम एंट्री करेंगे गुजरात में। बढ़िया लग रहा है इतने सारे स्टेट क्रॉस करके, लाहौल स्पीति एक्सप्लोर करने गए थे, वहाँ से वापसी में इतने सारे स्टेट क्रॉस करके अभी गुजरात में एंट्री हो गई है। हिम्मत वाले हैं, हिम्मत नगर पहुंच गए हैं, दोपहर के बज रहे 12। अच्छा अच्छा किलोमीटर हम लोगों ने काटा है आज के दिन में, क्योंकि जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ सबको घर पहुंचने की घाई है। दर्शन तो पहुंच गया, अभी अभिषेक को घाई है, फिर मुझे घाई रहेगी। अच्छा की जाना भैया, कितना पेल हो गया, हमें नींद आ रही है, सुसु है, सब कुछ है, कौन मैनेज करेगा वो सब? क्या बोल रहे हो भाई, सब ठीक? चांगला एकदम मजे। मैं सोचो क्या आया, सोचो क्या आया, मैं सोचो क्या, नींद आ रही थी। अभिषेक रुका तो ऐसी जगह पे जहाँ सुसु करना पॉसिबल नहीं था, लोग आके चारों तरफ से इमीडिएटली घेर लेते हैं हम राइडर्स को, तो भैया सुसु करे भी कैसे। तो उसको बोला भाई नींद का तो हो गया, पानी वानी पी लिया, अभी ओके लग रहा है, लेकिन कहीं पे खुले आसमान के नीचे जहाँ पे कोई नहीं रहे वहां पे हमें रुक के मूत्र विसर्जन करना बहुत जरूरी है। अब सिग्नल पे रुकेंगे ना तो गर्मी क्या होती है वो पता चलने वाला है। इतने दिन से हम अपने राइडिंग जैकेट के अंदर लेयर पे लेयर पहन रहे थे ठंड की वजह से, अभी यहाँ पे माहौल पूरी तरह चेंज, गर्मी होना शुरू हो गया है। तो अभी जस्ट एक ही मिनट हुआ है रुके है ना भाई, ऐसे ऐसे लग रहा है कि यार फटाफट फटाफट चालू हो जाए। वक्त ये घड़ी ये समय
मतलब सबसे बुरा है कि मैं खुश हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई पीछा छूट रहे 15 दिन के बाद। चलो फिर वापस एक बार अलविदा कहने का वक्त आ गया है। बड़ौदा आते हैं ना तो फिर ऐसे लगता है यार अभी यहाँ से अकेला राइड करने, लेकिन जब सोलो निकलता हूँ फिर लगता है अरे यार सोलो राइड करने का मौका मिल रहा है, भागो। बढ़िया है बढ़िया है, मतलब हम लोग है ना जल्द एक तोड़फोड़ वाली राइड डिसाइड होगी, ऐसे ही एडवेंचर वाली राइड होगी और एक नंबर प्लानिंग चल रहा है। पर फिलहाल तो यार थोड़ा और, तो देखना पड़ेगा। जो करके आया ना आतंक मचा के आया है, आतंक नेक्स्ट लेवल करके आया है। हम लोग को लगा नहीं था इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में हम लोग राइड करेंगे, सब कुछ एडवेंचर करेंगे। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आ गया। बाकी हम लोग दोनों की जोड़ी तो आप लोगों को पसंद आ रही है ये तो हम लोग को भी पता है। बाकी ऐसे ही हम लोग साथ में राइड करते रहेंगे। राइड टू स्पीति में मिस्टर अभिषेक चौहान को बाय बाय करने का वक्त आ गया, क्योंकि हमको भी निकलना है, मुंबई पहुँचना है। बज रहे हैं शाम के 4:45, कितने 4:45, तो बाय बाय बोलते हैं। अभी थोड़ा आपस में प्राइवेटली बाय बाय बोलते हैं, एक हाथ पप्पी वप्पी दे के फिर निकल लेते हैं। चलो पूरा का पूरा जाम है बड़ौदा के बाद, ट्रैफिक को क्या हो जाता है ना मुझे पता नहीं। एक तो ट्रैफिक को और एक अपने ट्रक वाले भाई साहब लोग को, सब कुछ इतर तितर बितर हो जाता है। अभिषेक मेरे भाई तू क्या गया, पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक मुझे मिल गया। अरे चुप बैठो रे भैया, ट्रैफिक में तो हम वापस अटके हैं, लेकिन सामने जो प्यारा सा सनसेट हो रहा है ना, ऐसे ऑरेंज कलर के सूर्य देवता लग रहे हैं, ऑरेंज एकदम, मतलब एकदम ऑरेंज, ऐसे तो ऑरेंज ही रहते हैं। ये ट्रैफिक क्लियर हो जाए ना तो भैया बराबर से देख सकेंगे। चले गए बादलों के पीछे चले गए, वहाँ सामने थे इतने प्यारे लग रहे थे ना, मैंने तभी ऑलरेडी GoPro चालू किया था तो हल्के हल्के दिखे रहेंगे आपको सनसेट होते हुए। बाकी तो भैया अभी बादलों के पीछे मैंने डिसाइड करके रखा था कि जैसे थोड़ा आगे निकलूंगा ना, जैसे सनसेट होने को रहेगा मैं रुकूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बीच में ये ट्रैफिक तगड़ा वाला लग गया, मैं ट्रैफिक में तो रुक नहीं सकते, वापस आगे ट्रैफिक लग गया तगड़ा वाला, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। हम मुंबई पहुँचे तो कब पहुँचे, तो रात के 7 बजे हम सूरत पहुंचे हैं। अभी और 270 किलोमीटर अपना घर, गूगल मैप्स उसको दिखा रहा है फिलहाल के लिए 5 घंटा। भाई खतरनाक ट्रैफिक है, मतलब अगर ट्रैफिक नहीं रहता था ना तो अभी तक सिर्फ 100 किलोमीटर बचे रहते थे, इतना मैं खींच लेता था। इतना खतरनाक ट्रैफिक है बड़ौदा के बाद, आप कभी भी आएंगे ना आपको खुद को रियलाइज होएगा। बहुत सारे फ्लाईओवर्स है वो इतने नैरो हो जाते हैं ना बीच में कि बड़ा रास्ता सडनली नैरो फ्लाईओवर्स हो जाते हैं, जिसके वजह से ट्रैफिक हो रहा है, बाकी कुछ भी रीज़न नहीं है। तो राइड टू स्पीति का लास्ट फ्यूल ब्रेक, क्या है ये जगह का नाम, जगह का नाम क्या है, नवसारी ना, नवसारी में लिया जाएगा राइड टू स्पीति का लास्ट फ्यूल ब्रेक। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के दिन के रात को 8:30 बजे कंप्लीट हो गए 600 किलोमीटर महाराष्ट्र बॉर्डर। अभी यहाँ से और 70 से 80 किलोमीटर रहेगी, एक बार महाराष्ट्र एंटर हो जाएंगे ना तो फिर एक अलग जोश रहता है यार। अभी तो पूरी तरह एग्जॉस्ट हूँ, टायर्ड हूँ, बात करने की भी ताकत नहीं है फिलहाल। भैया महाराष्ट्र चेक पोस्ट का हाल देखिए कितना बुरा है, मुझे पूरा रेड दिखा रहा है गूगल मैप्स, क्योंकि हाँ महाराष्ट्र चेक पोस्ट है और सारे लेन्स ट्रक वाले लोग ने लेके रखे, इतना बुरा अरेंजमेंट है और कोई कुछ भी मैनेजमेंट नहीं है। कुछ तो मैनेजमेंट रहना चाहिए कि ट्रक वाले लोग एक साइड पे है और बाकी सारे लोग एक साइड से जा रहे हैं, जिनको पता है वो लोग नो एंट्री से जा रहे हैं रॉन्ग वे से, और हम लोग इधर फंस गए हैं ट्रैफिक में। बहुत ही गलत बात है ये। मैं इतना पूरा राइड करके आया राइड टू स्पीति, इंडिया के बॉर्डर तक जाके आया, कोई भी स्टेट में ऐसे नहीं था, पूरा मिसमैनेजमेंट है। एटलीस्ट सारे पुलिस वाले लोग ने, जो बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट है वो लोग ने ट्रक वाले लोग को एक साइड पे रखना चाहिए और बाकी जो लोग हैं गाड़ियाँ टू व्हीलर्स उनको एक साइड से जाने को देना चाहिए। ये देखिए सारे ट्रक वाले राइट से लेफ्ट में जा रहे, पूरा आगे खाली पड़ा है, पूरा आगे खाली पड़ा है। साहेब एक रिक्वेस्ट करतो है फक्त, 5 स्टेट बॉर्डर क्रॉस करून आलो मी आत्ता, कुठच्या स्टेटमध्ये अशी अरेंजमेंट नाही आहे, सगळे ट्रकवाले इकडून येत आहेत, आम्हाला अडकून राहायला लागतं ना, काहीतरी तुम्ही केलं पाहिजे ना याच्यासाठी। आम्ही तर इथं
मी रिक्वेस्ट करतो बघा ना कसे येतात आम्ही उगाच अडकलेलो आहे हे बघा आज दिवसभरात मी 700 किलोमीटर व्हायला आले त्याच्यानंतर मी आपल्या स्टेटमध्ये घुसायला मला एवढं ट्रॅफिक लागणार कसं चालेल मी आता उदयपूरवरून आलो अर्धा तास झाला मी याच्यामध्ये अडकलेलो आहे ना वो उधर ड्यूटी पे खड़ा है और बोलते है कि मेरी ड्यूटी उधर लगी है तो मैं इधर तो तू इधर क्यों खड़ा है फिर कुछ ना करना चाहिए यार मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि यार 15-16 दिन बाद 4,500-5,000 किलोमीटर जो भी हुए मुझे ट्रिप टू मैंने अभी तक देखा नहीं है उसके बाद मैं अपने स्टेट में एंट्री कर रहा हूँ मैं इतना एक्साइटेड था और आते ही ये हाल चलो वो सब छोड़ देते हैं आखिर में अपना स्टेट है महाराष्ट्र प्यार है हमें महाराष्ट्र से जय महाराष्ट्र तो 16 दिन की राइड टू स्पिति इंडिया के डेंजरस पासेस को एक्सप्लोर करके वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस वर्ल्ड्स हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल पेट्रोलियम आउटलेट में पेट्रोल भर के खतरनाक गाजा खतरनाक लाहौल स्पिति के पासेस को एक्सप्लोर करके एक्सट्रीम क्लाइमेट में रह के अपनी वापसी अपने स्टेट महाराष्ट्र में हो गई है बहुत ही बढ़िया लग रहा है रात के 10:30 बज रहे हैं अभी तक कंप्लीट हुए 680 किलोमीटर अभी लगभग 70-80 किलोमीटर जाना है अपने को अपने घर पहुंचने के लिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड लग रहा है फटाफट ये 70-80 किलोमीटर कवर कर लेते हैं सामने दिख रहा है अपना औरा एक संडे राइड ठंडी में बनती है क्योंकि भाई माहौल यहाँ पे ठंडी में ना बहुत ही बढ़िया रहता है ये हाईवे पे माहौल ठंडी में खतरनाक रहता है तो भाई आज के दिन के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज की ट्रिप 1793 किलोमीटर उदयपुर टू मुंबई और ट्रिप टू 4,752.8 किलोमीटर्स राइड टू स्पिति बाकी फिलहाल मेरी आंखें सब कह रही रहेगी तो कल रात को नहीं कल सुबह बात करेंगे अभी जाते हैं घर पे भाई ऑल सेट डन है आज के लिए ख़त्म है राइट टू स्पिति मुंबई से काजा काजा से मुंबई 4,700 किलोमीटर करने के बाद आज जो मसाज करने में मजा है ना क्या ही बताओ आपको बहुत बढ़िया लगा 16 दिन 4,700 किलोमीटर इंडिया के मोस्ट डेंजरस पासेस कवर करने के बाद जब हम आज मुंबई पहुंचे हैं ना ऐसे लग रहा है कि एज अ राइडर कुछ अचीव करके आए क्योंकि इतने खतरनाक रास्ते थे इतना ऑफ रोडिंग था उसके बीच में हम लोग ने जो लैंडस्लाइड के वजह से रास्ता लिया क्या ही बताओ आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाके राइडिंग की है फुल्ली लोडेड बाइक पे तो आज बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग तीनों भी मतलब दर्शन को तो भाई सल्यूट है पिलियन बन के घूम रहा था हम लोग के साथ और काफी मजा किया हम लोग ने और काफी खतरनाक राइड तो स्पिति के बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी नॉट ओनली एज अ राइडर बट एज अ ट्रैवलर तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं मैं तो बोलूं कि स्पिति एक्सप्लोर करना बनता है बहुत ही खूबसूरत है और अलग लेवल का एडवेंचर है तो कुछ भी रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगा वैसे भी मैंने पूरे सारे अपने व्लॉग्स में ना ये सीरीज में हर टाइम पूरे डिटेल्स दिए हैं कि कौन सा रूट ले रहे हैं कहाँ रुक रहे हैं उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ दिए बहुत ही प्यार है उसके अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो बिंदास पूछिए बंदा हाजिर है बंदा आप लोगों को तुरंत रिप्लाई करेगा तो राइट टू स्पिति सीरीज एंड करने का वक्त आ गया लेकिन उसके पहले एक ही रिक्वेस्ट बहुत मेहनत की है एक तगड़ा एडवेंचर किया है उसके बीच में राइडिंग करते वक्त व्लॉगिंग किया है ताकि आप लोगों तक एक खूबसूरत और एडवेंचर वाला कंटेंट पहुंच सके तो रिक्वेस्ट है कि यार ये सीरीज को ये चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए आतंक मचा डालिए इतना स्प्रेड कर दीजिए ना अपने चैनल को कि भाई लोग बोलेंगे ये क्या करके आया है क्या राइडिंग करके आया है तो रिक्वेस्ट है प्लीज अपने चैनल को प्यार दीजिए तो सीरीज खत्म करने के पहले अपने नेक्स्ट ट्रैवल प्लान के बारे में कुछ तो बताऊंगा आप लोगों को इस साल की ठंडी में अभी तक इस टोपी का काम खत्म नहीं हुआ है इसको और काम है इस साल की ठंडी में
क्योंकि अपना जो अगला ट्रैवल प्लान है ना, वहां पे भी एक्सट्रीम लेवल जाके विंटर होने वाला है, वहां पे भी माइनस में टेम्परेचर रहने वाला है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अपना बोरिया बिस्तर ऑलरेडी पैक होना चालू हो गया है। कहां जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे एक्सप्लोर करने वाले हैं, जब आप लोगों को ये पता चलेगा ना, आप बोलेंगे भाई ये बंदा क्या कर रहा है, आतंक मचा रहा है ये। क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि राइट टू स्पीति, इंडिया के मोस्ट डेंजरस पासेस कवर करने के बाद अभी ये डेस्टिनेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब क्या ही कर रहा है ये। इसमें एक ही चीज कॉमन रहने वाली है, ठंडी, क्योंकि यहाँ पे भी है ना टेम्परेचर माइनस में रहने वाला है, कभी -8 तो कभी -18, बहुत मुश्किल से प्लस में जाएगा। फिलहाल टेम्परेचर प्लस में दिखा रहा है, लेकिन जब हम लोग जाएंगे ना वहां पे, वो दिनों में पूरा माइनस में दिखा रहा है, और बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है ये सफर। तो उसके लिए आपको अगली सीरीज अपनी देखनी पड़ेगी। काफी बढ़िया मजा आया आप लोगों के साथ ये सीरीज करने में, ऐसे ही प्यार देते रहना भाई लोग, आपका प्यार आपका सपोर्ट चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कीजिए इस चैनल के लिए। बाकी बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ, लव लाइफ, लव यू गाइस, बाय बाय। ये मुंबई में तो गर्मी है ना, ये पहन के क्या गिर गए।